मिल गया श्रुति को उसके कर्मों का फल, तोड़ दी अनुज ने श्रुति से इंगेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो जो बंधन सबसे ज्यादा अनुज के दिल में घुटन पैदा कर रहा था, जिस बंधन की वजह से वो श्रुति को बार बार एंटरटेन कर रहा था, वो बंधन आज टूट गया। यानी कि जो भी हम कल देखेंगे एपिसोड में, जो प्री कैप में देखा है, उसके हिसाब से अगर चले तो अनुज ने सगाई तोड़ दी, और ये सब अनुपमा के सामने। और क्यों हुआ ये भी हमें पता है, मगर इस पे चर्चा करते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस धारावाहिक का। क्योंकि हम सब भी इसी बात को लेके बार बार चर्चा करते थे कि एंगेजमेंट क्यों कराई, क्यों नहीं तोड़ रहा, क्यों जब अनुपमा से प्यार करता है, क्यों क्यों क्यों, ये सारे सवाल हमारे आज आंसर हो गए। चलिए बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वही जो हम हर बार डिस्कस करते हैं, हर बार हम बोलते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। तो श्रुति को आम कैसे मिल सकते थे जब उसकी शुरुआत ही गलत है। पहले अनुज से एंगेजमेंट की वो भी गलत था, क्योंकि अनुज से एंगेजमेंट की आध्या की जिद की वजह से। तो अनुज तो उसके पिता थे, उन्होंने जिद माननी थी, क्योंकि अनुज आध्या के लिए कुछ भी कर सकता है। आध्या बच्ची थी मगर श्रुति तो बच्ची नहीं थी। श्रुति ने प्यार में अनुज से एंगेजमेंट कर ली एक अच्छे भविष्य के लिए, मगर अच्छे भविष्य की नींव उसने गलत तरीके से रखी। अगर अनुज से प्यार का इजहार करवाती फिर एंगेजमेंट करती तो बात कुछ अलग होती, मगर ऐसा कुछ ना था, ना हुआ, ना होगा आज। और दूसरी चीज जो आज साबित हुई है कि अनुज को जैसे ही पता चला कि श्रुति है इस सबके पीछे, अनुज ने एक सेकंड नहीं लगाया श्रुति से एंगेजमेंट तोड़ने में, क्योंकि अंदर से तो वो पहले से ही श्रुति से टूट चुका है। जब से अनुपमा फिर से उसकी जिंदगी में आई है तब से उसने श्रुति से कन्नी कतरानी शुरू कर दी है। मजबूरियों की वजह से हां करता रहा, जो भी कुछ रहा हमारे सामने ही रहा, और इसके लिए हम लोग दोष भी देते रहे, जो कि उस समय की डिमांड थी, देना बनता था, क्योंकि चुप रह रह के भी कुछ हासिल नहीं होता है। तो ऐसे भोलू राम का साथ हमेशा कान्हा जी देते हैं, और कान्हा जी ने भोलू राम का साथ दिया, भोलू राम ने सारी बातें सुनी, और फिर डिसीजन लेना उसके लिए बहुत आसान हो गया। और श्रुति के लिए तो यही कहेंगे, वही मैंने जो कहा शुरू में कि उसने शुरुआत ही गलत की, उसके बाद उसने अनुपमा को जिंदगी से निकालने के लिए इतना बड़ा पाप किया, इतने लोगों की एम्प्लॉयमेंट को ताव पे रखा, इतनी बदनामी की, अनुपमा के साथ बुरा किया जिसने उसके साथ कभी बुरा किया ही नहीं है, अपना प्यार तक अनुपमा ने श्रुति के हवाले कर दिया, और बार बार अनुज का वापिस आना अनुपमा की तरफ और अनुपमा का उसे श्रुति की तरफ भेजना, ये सब चीजें श्रुति ने इग्नोर कर दी। तो ये सारी अगर सीक्वेंस को हम पकड़ के चले तो श्रुति ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया, जिसके लिए आज उसको इस मोमेंट का जो है वो नजारा देखने को मिला, जिस चीज से वो डर रही थी बार बार कि कहीं अनुपमा बता ना दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अनुपमा ने तो नहीं बताया, मगर जिनके साथ कान्हा जी का जो है आशीर्वाद है, उनकी सच्चाई अपने आप ही सामने आ जाती है। तो अनुपमा की सच्चाई आ गई अनुज के सामने, और आज अनुज ने वो फैसला लिया जो मोस्ट अवेटेड फैसला था। तो मजा आया होगा देख के, क्योंकि कल तो पूरा सीन देख के पूरा मजा लेंगे इस सीन का, बट आज तो डेफिनेटली बढ़िया लगा। तो कैसा है आपका इसके प्रति प्रतिक्रिया बताइएगा, देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.